90% स्टूडेंट्स को रीडिंग डिफ़िकल्ट लगती है। बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर ली, बट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। लिसनिंग में बहुत अच्छा स्कोर है, स्पीकिंग में बहुत अच्छा स्कोर है, राइटिंग में बहुत अच्छा स्कोर है। आपके साथ वाला काफ़ी अच्छी बैंड ले गया, बट आप नहीं लेकर गए। टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको अभी बहुत नॉलेज आ चुकी है, बट इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट सीखेंगे, कुछ प्रैक्टिस मेथड्स सीखेंगे जिससे आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे, क्योंकि इसमें जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट होंगी एंड इंटरेस्टिंग भी होगी। तो रीडिंग को हमने कैसे इम्प्रूव करना है, मैं हमेशा एक चीज़ को फिगर आउट करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जिस पार्ट में मिस्टेक करते हैं मैं शो करूँ, ताकि आप वो चीज़ें ना करें। जब आप मिस्टेक्स करना बंद कर देते हो, आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। सो मैंने काफ़ी कंडीशंस देखी हैं, काफ़ी सिचुएशंस मैंने ऑब्जर्व कर ली हैं सो फार कि रीडिंग का स्कोर क्यों नहीं आता। मैंने एक स्टूडेंट के साथ नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये केस देखा है। वो क्या है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तीन पैसेज होते हैं, फर्स्ट आसान होता है, सेकंड मॉडरेट होता है, थर्ड डिफ़िकल्ट होता है। कौन सी सिचुएशन में आपका मैन स्कोर कम आता है, कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए जिससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो सके। पहले पैसेज में मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं 10 तक सही कर लेते हैं, सेकेंड पैसेज में वो 8 या 9 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, फिर भी वो 19-20 के पास है, बट थर्ड में वो इतने भी सही नहीं कर पाते कि वो 23 तक पहुंच सके। ऐसा क्यों? कुछ पैसेज ऐसे होते हैं, अगर हमारी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हैं, हमें समझ नहीं आती, उसमें क्वेश्चन टाइप्स ऐसे बना दी होती हैं कि पहले 4 MCQ आ गए, देन फिर आगे आपने इन्फॉर्मेशन मैच करनी होती है स्टार्टिंग में, येस नो नॉट गिवन। उन क्वेश्चंस में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़्यादा चाहिए, वो आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट क्यों लगते हैं, बिकॉज क्या होता है कि पैसेज पता कैसे आती है, किसी वो बर्ड की बात करते हैं, किसी वो एनिमल की बात करते हैं, एंड उनके नेम ना ऐसे होते हैं कि हमने वो सुने नहीं होते पहले, एंड हमें उसकी प्रोनंसिएशन भी नहीं पता होती। जब हम उसको रीड करते हैं, कोई भी नेम लगा लो, पहले तो हमारा माइंड वहाँ पर जाता है, वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होता है कि ये चीज़ क्या है। देन फिर ना आगे ना उनकी कैटेगरीज डिस्कस करेंगे कि इनकी ये टाइप्स होती हैं, उनके भी नेम ना डिफरेंट डिफरेंट से होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे। देन फिर ये करेंगे कि वो क्या क्या प्रेफर करते हैं खाने में, ऐसे ऐसे करके वो एक स्टोरीज ही क्रिएट करती हैं, एंड स्टोरी तो वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती समझनी, बट जब पैसेज में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं क्वेश्चन के रिलेटेड, तब वहाँ पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस पता कैसे पूछे होंगे कि अगर कोई ये टाइप है ना, ये एनिमल की, वो कहेंगे कि इसके साथ मैच करो, आप पहले तो ये सोचोगे कि यार कौन कौन सी टाइप्स थी, उनके नेम भी अजीब से हैं, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, आप इस चीज़ को इग्नोर करते हो। किसी भी स्टूडेंट ने आज तक ऐसे पैसेज या ऐसे आर्टिकल्स गूगल पे नहीं रीड करे होंगे जो किसी एनिमल के रिलेटेड हैं, उनकी टाइप्स के रिलेटेड हैं, ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनके रिलेटेड हैं, आप नहीं करते। जब आप अलग से एफर्ट्स नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रीडिंग का स्कोर ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि जो वो पार्ट्स होते हैं ना उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी होती हैं, उनमें पास्ट टेंस भी आ जाता है, उनमें प्रेजेंट भी आ जाता है, उनमें फ्यूचर भी आ जाता है। पहले तो वो बात करेंगे प्रेजेंट में कि हाँ ये होते हैं, अभी एग्जिस्ट करती हैं पास्ट में, इनका ऐसे ही इनका स्टार्ट हुआ, एंड फ्यूचर में गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, इनका एक ही फॉर्मेट रहता है। ऐसे पैसेज आ जाते हैं, एंड अगर आप ऐसे पैसेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गूगल के ऊपर देखते हो, उसी लेवल के आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, उनको पढ़ोगे डेली ना अगर ऐसे, तो थर्ड पैसेज आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आपको MCQ भी आसान लगेंगे। बट जब आप उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देखते वैसे आर्टिकल्स, या फिर आप गूगल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं एक्सप्लोर करते बट सीधा पैसेज में जाते हो, तो डेफिनेटली आपको वो डिफ़िकल्ट लगेंगे, एंड हो सकता है कि थर्ड पैसेज में 2 या 3 क्वेश्चन सही हो। आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करते, सबसे पहले आपने इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। पुराने रीडिंग पैसेज उठाओ, फिगर आउट करो कि किस में इस टॉपिक के रिलेटेड बात हुई, गूगल के ऊपर उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखो। एंड फिर स्टूडेंट्स कई बार मेरे से पूछते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आपको अलग अलग साइट्स पे अलग अलग मिलेगा, तो हर एक जगह पे जाकर आप नई नई चीज़ें सीखो, ये सबसे पहली चीज़ आपने करनी है। सेकेंड, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी,
कोई भी पैसेज उठा लो, चाहे कोई बुक उठा लो, कोई भी सोर्स है, रीडिंग करनी है आपने। मतलब आपने एक रीडिंग को एक हैबिट बनाना है। आपने एक पैराग्राफ सिर्फ एक बारी में पढ़ना है, चाहे आप दो पैराग्राफ उठा लो, दो बारी में बस पढ़ना है, आपने रुकना नहीं है। एंड फिर देन आपने नोटिस करना है कि कितना परसेंट आपको समझ आया, 70% पता चला, 60% पता चला, 50% पता चला। देन सेकेंड टाइम थोड़ी कम स्पीड पे पढ़ना है, फिर आपको कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, फिर आपका इंटरेस्ट बनेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एंड उसी से आप अपनी रीडिंग स्पीड भी जज कर पाओगे। मैंने यहाँ पे एक चीज़ की भी पॉइंट, मैंने यहाँ पे कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करा इन चीज़ों में कि ये करो पैसेज में, ये फाइंड करो कि कौन से इजी क्वेश्चंस है, बिकॉज वो आपको पता है। ये अलग प्रैक्टिस मेथड्स हैं जिससे आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव करोगे। तो आपने ऐसा करना है, बार बार उसको पढ़ना है, एंड फिर देन आपको पता चलेगा कि आपकी रीडिंग स्पीड एक्चुअली में क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। एग्ज़ाम के टाइम ना, अगर आपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया एंड आपको समझ में वो आ गया, इट मीन्स आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो अच्छी हैं। एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हो, पैसेज की लोकेशन को बार बार पढ़ रहे हो, इट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपकी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, बट इट टेक्स टाइम, राइट? तो उस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। आपको सिर्फ मैंने अभी तक दो चीज़ें बताई हैं कि एक तो आपने वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि एनिमल के रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई ना रिसर्च वगैरह के रिलेटेड पढ़ा करो। थोड़ी स्टार्टिंग में बोरिंग लगेंगे टॉपिक्स, बट आपकी जो रीडिंग स्किल्स है ना बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगी। सेकेंड, आपने ऐसे स्पीड के रिलेटेड पढ़ना है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल, ये मैंने पहले भी बात करी थी, तो अगर आप कैम्ब्रिज की रीडिंग सॉल्व करते हो, ट्राई करो कि जो लेटेस्ट एडिशंस हैं उनके ऊपर फोकस करो। अगर आप कैम्ब्रिज 8, कैम्ब्रिज 7 अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है ना? तो ट्राई करो 13 से स्टार्ट करो, 12 से स्टार्ट करो, ताकि आपको जो एग्ज़ाम के लेवल की रीडिंग आती है उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी पुराने एडिशन की कर रहे हो एंड एग्ज़ाम में थोड़ा डिफरेंट आ जाए तो फिर आपको होगा कि नहीं यार मेरे को तो कुछ पता नहीं है। तो एंड गाइज, अभी मैं जीडी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत सारी वेबसाइट्स मिली हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, आप रीडिंग के पैसेज फ्री में सॉल्व कर सकते हो। तो उनकी नेम्स मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर स्टोरी में अपलोड कर दूंगा, आपको उसके लिए मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दो तीन बार वो स्टोरी रिपीट कर दूंगा, मैं उसकी पोस्ट ही अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए ईजी हो सके। सो बस यही चीज़ें आपको रीडिंग में करने की ज़रूरत है। हमेशा कहता हूँ कि प्रेपरेशन के ऊपर ध्यान रखो। रीडिंग हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम में कौन से टाइप की आ सकती है, कौन सा टॉपिक आ सकता है। टॉपिक डिफरेंट आ गया डिफिकल्ट लगेगी, टॉपिक की नॉलेज है तो इजी लगेगी। इट डजेंट मैटर कि इजी मॉडरेट क्या होता है। सो हमेशा प्रेपरेशन के ऊपर ध्यान रखो। थोड़े बहुत फेलियर्स आएंगे बट इट्स ओके, इसी से आप सीखोगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।